counselor of this, the biggest Jumla factory and jute factory of India is Bharatiya Janata Party, and the chancellor of this university, the WhatsApp university which propagates all this nonsense, is Prime Minister Narendra Modi himself. What I found amusing are the white lies of Honorable Prime Minister, clearly fabricated, and you know, I think he should start writing scripts for movies. He'll make a great storyteller and a great story writer. This Prime Minister is so inconsistent. He says on the one hand, BRS has funded Congress in Karnataka, and he says that he has not allowed us into NDA. हमें कोई पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि NDA में हम जाके शामिल हो जाएं? आज पूरे के पूरे पार्टी आपको NDA को छोड़ के बाहर जा रहे हैं. आपको अगर आप देखेंगे, शिवसेना छोड़ के गई, आपको जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है. साथ है कौन आपके? CBI, ED, IT, इनके अलावा है कौन आपके NDA में? आज प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं अपने आप को कि वो बहुत क्लीन आदमी है और बाकी पूरा दुनिया करप्ट है. प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या हो गया हिमंत बिस्वा शर्मा पे जो केस था? आपके पार्टी में शामिल हो गए, केस गायब. हमारे यहाँ के जो MP है, CM रमेश और सुजना चौधरी, उन पे आरोप लगाए, केस भी लगाए, ED, CBI, IT, क्या हो गया केसों का? नारायण राणे पे केस क्या हो गया? ज्योतिरादित्य पे, सिंधिया पे जो केस थे आपके साथ शामिल होने के बाद, क्या हो गया? और आप जब बात करते हो प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच है? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको BCCI के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि KCR फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते. KCR जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे. हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है. हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में 2 बार चुने गए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी है. अगर आपको लगता है कि आपके डराने से, आपके चिल्लाने से, आपका गला फाड़ फाड़ के बोलने से लोग यहाँ पे बहक जाएंगे और एक बहकावे में आएंगे, तो आपकी नादानी है. और एक बात भी मैं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनके पास जाके परमिशन लिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना था. मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगी. आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है हमें? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या BJP क्या मानती है, क्या किसको देखना चाहती है. यहाँ पे तेलंगाना जनता आज KCR जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चुनने के लिए तैयार है. आप कितना भी गला फाड़ लें, कितना कुछ भी बोल लें और कितने भी झूठ बोल लें, जितने भी सफेद झूठ आप बोलें, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. और मैं आज चैलेंज करता हूं BJP को, पिछली बार जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में 2018 में, आपके 105 विधानसभा के कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई थी. मैं चैलेंज करता हूं, अगर दम है BJP में, नड्डा में, अमित शाह में, नरेंद्र मोदी में और जितने भी और लीडर हैं, आइए, टूरिस्ट सर वेलकम टू तेलंगाना, हमें कोई इतराज नहीं. आप आइए, गला फाड़ फाड़ के बोलिए, तेलंगाना जनता को समझाइए कि किया क्या आपने तेलंगाना के लिए पिछले 9 साल में, और कोई अगर वोट देना भी चाहे तो क्यों दें आपको? आप, मैं चैलेंज करता हूं, पिछली बार 105 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 110 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, और इस बार आपको एक भी MP आपको तेलंगाना से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतने झूठ बोल चुके हो, इतने कारनामे कर चुके हो. और सबसे अहम बात ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर, आप ये मानते हो अपने आप को कि आप बहुत ही साफ इंसान हो, बहुत ही करप्ट क्लीन इंसान हो, तो आप क्यों मुखर गए JPC अदानी के मामले में? JPC से क्यों डरते हो? अदानी के मामले में एक बार भी प्रेस के आगे आके क्यों नहीं बोलते हो, जब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने खुद कहा कि वो दबाव में उनको लाया गया भारत सरकार की तरफ से? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद श्रीलंका प्रेसिडेंट को बोला कि आपको एक 6,000 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट अदानी को देना है, क्यों आप आज तक नहीं क्लैरिफाई करते हो? क्यों आप बोलते नहीं हो? हर किसी को डरा के, धमका के जो काम चलाने की तरीका आपने सीखा है, मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहता हूं, ये तेलंगाना में ना चलेगी. आपकी जितने भी यहाँ पे साजिशें हैं, आपकी जितने भी यहाँ पे कोशिशें हैं, सारे के सारे नाकाम रहे.